नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। उनकी एक क्रॉस वोटिंग से ये मामला सामने आ रहा था कि वे कांग्रेस में जा सकते हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की प्रदेश में संख्या कम हो सकती है। लेकिन एक बार फिर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ नजर आए, और न सिर्फ नजर आए बल्कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की आलोचना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक दिशाहीन सरकार है, इसका जमीनी लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी उपचुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि प्रलोभन में ये चुनाव जीतने की कोशिश में लगी है कांग्रेस, लेकिन जनता उन्हें करारा जवाब देगी। मैहर विधायक के मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा भी साथ में नजर आए, और उन्होंने भी अपने बयान में नारायण त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान नेता बताया। पार्टी का कोई दौर आया, जब धारा 370 हटी तो मैं ट्वीट करके बोला कि हिंदुस्तान में अमित शाह जैसे लीडर ही ये फैसला ले सकते हैं। मैं कभी पार्टी, जब भी मुझे कोई सदन में, बल्लभ भवन में भी एक दो बार मीडिया वाले लोग मिले मुझे, मुझसे वो लोग बात भी किए, मैं उनको बोला हूँ कि कभी भी हम सरकार बना सकते हैं, कभी भी हम सरकार बना सकते हैं। अभी 15-20 दिन पहले मैं बल्लभ भवन में बोला था। तो सरकार बना सकते हैं मतलब किसकी सरकार? कांग्रेस की तो है, बीजेपी की बनाएंगे ना। तो मैं जब भी कभी कोई मिला होगा या बात किया होगा, मैं अपनी बात यही किया कि हम सरकार कभी भी बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हुआ था। सदन में एक बिल को लेकर हम लोग वोटिंग किए थे, मैं और शरद पवार। हमें ये पता था कि हम सभी लोग एक साथ हैं। मैं बाहर निकला, जब बाहर निकला तो उस दौरान मैं नहीं जान पाया कि भारतीय जनता पार्टी से वोटिंग में शामिल नहीं हुई। मैं और शरद पवार दोनों गए और वोटिंग किए। वोटिंग करने के बाद मेन मुख्य बात ये थी कि मैं कमलनाथ जी से लगातार संपर्क में था। मैहर को जिला बनाना है, मैहर की स्मार्ट सिटी काम करना है, तमाम काम हमारे रुक गए थे, तमाम मैहर काम अधूरे हो गए थे। तो मैं इस संबंध में लगातार बात किया कि वो देवी के धाम है, वहाँ का काम कीजिए, अन्यथा आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो मैहर के काम के लिए लगातार मैं संपर्क में था। सरकार किसी की भी बने, यदि हमारे अपने क्षेत्र का विकास करना होगा तो हमें जाना पड़ेगा। दिल्ली में या दूसरे की सरकार है, हमें काम कराना होगा तो जाना पड़ेगा। इन बातों को लेकर मैं लगातार संपर्क में था, बात करता था, आता था, जाता था, मिलता था, पर मैं कहीं कांग्रेस में गया नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भविष्य में भी रहूंगा। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का पहले से भी मेरा अनुभव है, पर मैं वर्तमान में भी जानता हूँ कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। ये तमाम बातों को मैं इतने दिन प्रलोभन, आप कह रहे हैं प्रलोभन दिया था, किस तरह का प्रलोभन आपको दिया? प्रलोभन की बात नहीं, मुझे कोई मैहर का विकास, चलो मैहर का विकास एक सपना था, मैहर के विकास की मैं लगातार बातें किया। अब प्रलोभन तो सामान्य बातें होती है कि ये कर देंगे वो कर, मंदी पद का भी दिया था क्या? ये भी बात छोड़ो, क्या अभी कोई गुंजाइश है बीजेपी की सरकार आने की? मैहर को जिला बनाना था, जिला बनाएंगे, मैहर जिला बनाएंगे। त्रिपाठी जी बीजेपी की सरकार में बनाएंगे? त्रिपाठी जी अपनी सरकार में बनाएंगे, त्रिपाठी प्रदेश में हर हाल में बहुत जल्दी बनेगी जब सरकार बनाएगी। सर प्रदेश में क्या गुंजाइश है बीजेपी? शरद कौल जी का क्या स्टेटस? त्रिपाठी जी शरद कौल हमारे साथ गए थे, शरद कौल मेरे साथ गए थे, शरद कौल मेरे साथ ही, वो कहीं गए नहीं थे, हम लोग तो वोटिंग कर दिए थे ना। बात इतना है कि मैं किसी भी तरह पार्टी के लाइन से अलग कभी नहीं हुआ, पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, और मैहर के विकास के लिए जो भी बातें हैं मैं इस संबंध में मुलाकात भी किया, आगे भी मुलाकात करता हूँ। अभी मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है त्रिपाठी जी, बाहर आके आपने मीडिया से चर्चा की थी और आपने शिवराज सिंह चौहान को, मैं उसमें मैं केवल इतना एक मिनट पार्टी में हूँ। त्रिपाठी जी पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा था, ना कहीं कोई छूटा है, ना कोई अटका है और ना कोई लटका है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, पार्टी के साथ हैं। उसकी पुष्टि स्वयं नारायण त्रिपाठी जी आज आप सबके सामने कर रहे हैं। बीच का जो घटनाक्रम रहा है उसमें कोई भी विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से मिलते हैं, और वो कहीं से भी गलत नहीं है, उसमें सरकार किसी भी दल की हो लोग मिलते हैं। उस संदर्भ में वो मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास में और अन्य नेताओं के पास गए थे, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश उन्होंने की। और दरअसल इसकी शुरुआत भी एक भ्रम के साथ हुई, विधानसभा के भीतर जो
बिल पारित होना था जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पहले ही सहमति दे दी थी, दंड संशोधन विधेयक जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी, और उसमें भ्रमवश नारायण त्रिपाठी जी और शरद कोल जी ने जाकर मतदान किया। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसके पक्ष में थी, इसलिए कहीं कोई विभाजन की स्थिति नहीं थी। वहां से कांग्रेस ने भ्रम का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बनाया। लेकिन हमने हमेशा कहा था, नारायण त्रिपाठी जी हम सभी के संपर्क में रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, समय समय पे चाहे धारा 370 का मामला हो या कोई भी राष्ट्रीय ऐसा विषय जहां भारतीय जनता पार्टी स्टैंड करती है, ऐसे हर विषय पर उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। और इसीलिए कांग्रेस जो मुगालते में है और लालच और प्रलोभन की राजनीति के माध्यम से अपनी सरकार को बचाकर रखना चाहती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से चेतावनी देना चाहती है कि आप सत्ता को बचाए रखने के अपने प्रयास में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। मध्य प्रदेश में जो वायदे आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किए थे, उनमें से एक भी आपने पूरा नहीं किया, और इसीलिए बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति के उनको अपने उन वायदों को पूरा करना चाहिए जो प्रदेश की जनता से उन्होंने किए थे और जिसमें प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नारायण त्रिपाठी जी हमारे बीच में है। लोकप्रिय जननेता, सक्रिय जनसेवक, छतरपुर की जनता के लाडले विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।